सेट यार। सो गाइस यार क्रैश हो गया अपनी बाइक यार। ओह शिट, इतना मूड खराब हो रहा ना सही में। सुबह सुबह सोचा था कि एक प्यारी सी राइड मारूंगा, मेरे को लग ही रहा था अजीब सा, क्योंकि अपनी बाइक ना काफी दिन से यार क्रैश हो रही है, पता नहीं क्या यार किसकी नजर लग गई बुरी वाली। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ASB मोटो व्लॉगर। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी चाहिए। सो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हैं कि आज एक छोटा सा व्लॉग बनाने के लिए मैं सुबह सुबह, हम दोनों भाई रेडी हो गए और बाकी गाइस लेट्स गो चलते हैं और प्यारा सा कंटेंट बनाते हैं। बाकी आपने एंड तक वॉच करना, जो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो चलते हैं फटाफट। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और ये हाईवे पकड़ लेते हैं, हाईवे से सीधा जाना हमने। आज अपन दोनों भाई हैं, देखते हैं भाई कैसे कैसी राइड होती। यहाँ पे से भगाना स्टार्ट कर देता है भाई हर कोई, यहाँ से भाई इतना तेज क्यों भगाते हैं। ये प्यारा सा व्यू देखो मॉर्निंग के टाइम पे, देख रहे हो आप, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी, बारिश हो नहीं रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बाइक भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा हीट। अभी देख सकते हो सुबह हम तेजी से भाग गया, मैं आराम से चल रहा हूँ। मेरे ब्लॉग में ना वॉइस की दिक्कत आ रही, अब मैं बाइक भगाते रहूँगा जिसमें मेरी ऑडियो नहीं आएगी तो फिर मज़ा नहीं आता ना ब्लॉग का, तो इसलिए आप देख सकते हो कि गाड़ी कितना तेज भगा रहा है बंदा मेरे सामने से कट मार के। यार आराम से चलाओ, क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना स्पीड भगाने का। अभी देखते गाइस आगे बहुत सारे बाइक्स मिलेंगे, शायद सुपर बाइक भी मिलेंगी, दिखाऊंगा आपको। बाकी अपनी ड्रीम बाइक्स देखने को अलग ही मज़ा आता है, बाइक में बिल्कुल भगाता नहीं हूँ, जहाँ पर मुझे लगे कि भाई भगाना चाहिए बाइक्स वहाँ पर मैं भगाता हूँ हल्की सी मतलब। अभी देख रहे हो सुबह इतनी तेज़, क्योंकि उसका GoPro है तो ठीक है, उसके लिए बेटर है, मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए GoPro काफ़ी अच्छा रहता है, एंगल भी सही आता है और प्लस रिएक्शन लेना होगा तो रिएक्शन भी काफ़ी प्यारे प्यारे आ जाते, रिकॉर्ड भी हो जाते, कैप्चर भी हो जाता है। फ़ोन से थोड़ा सा दिक्कत आती है, ऑडियो के सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यार, देख सकते हो काफ़ी टाइम से चल रहा है काम यहाँ पे बात है। बट अब ये चीज़ भी है कि गर्मी के, देखो गर्मी पता है क्यों और ज़्यादा होती है, लोग इतने पेड़ काट रहे हैं, क्या फ़ायदा यार इसे ना, मतलब कि डेवलपमेंट हो रही है बट उसका नुकसान भी तो हो रहा है यार। अभी जो ये हाईवे है तो अच्छी बात है, हाईवे है कोई बात नहीं, जो चीज़ बनी हुई पहले से बनी हुई अच्छी रहती है। अब तुम पेड़ काट रहे हो, पता कितना नुकसान होता है पेड़ काटने से, लोगों को पता नहीं चलता है सही में। सरकार को भी इस चीज़ को देखना चाहिए भाई कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पे, पता है अपने को, बट क्या करें यार समझते ही नहीं है ना लोग। अभी इतना बड़ा ट्रक जा रहा है भाई, खतरनाक। देख रहे बच्चे लोग भाई रेडी रहते हैं देखने के लिए सुपर बाइक वो, और पिछली बार भी यहीं पे मिले थे मेरे को छोटे छोटे बच्चे ना। ओह मेरा फोन का डर रहता है यार फोन अगर टूट गया तो मेरी जिंदगी टूट गई भाई यादी हर चीज पता कितनी मेहनत से ली, पता मैंने फोन या बाइक्स हो गई और राइडिंग जैकेट, भाई मिडिल क्लास बंदे का जो एक खर्चा रहता है ना वो उसी को पता रहता है कि कितनी मेहनत से वो चीज़ें लेता है। एक मैंने कैसे ली है आपको पता ही होगा, पहले मेरे पास फेजर बाइक थी, उसके बाद मेरा सबसे ये ड्रीम था कि मेरे दोस्त कहते थे यार कि तेरे पास फेजर बाइक है, मतलब कि इतना चिढ़ाते थे ना मेरे को भाई, लोग बोलते थे कि यार क्या लेगा तू बाइक चेंज कर ले ये वो, सो औकात नहीं तेरी, बहुत कुछ लाइफ में देखा कसम से मैंने। भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ कि ये बाइक मैं एंड तलक रखूँ अपने पास, इस बाइक का बहुत सपोर्ट है मुझे
और इसका जरूरत मुझे बहुत ज़्यादा है भाई। देखो KTM तो छपरी है, वो तो लोगों ने बना दिया स्टंट कर करके, बट कसम से बोलूँ ना मैं गाइस, इसकी पावर पिकअप बहुत अनलिमिटेड है भाई कसम से। सही चीज़ है कि लिमिटर आ जाता है यार, टॉप स्पीड रेस का लिमिटर आ जाता है। और वो पता नहीं जो पुराना PS4 मॉडल रहता था वो 145 अलग चली जाती थी, ये 137 के बाद लिमिटर आ जाता है इसका। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लगा मेरे को बाइक में, बाकी सब कुछ अच्छा है। और अपनी बाइक को एक साल होने वाले तो उसका रिव्यू भी दूंगा आपको, जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। तो जो अपनी पुरानी वीडियोस थी अभी भी उस पर व्यूज आते हैं, बट कसम से मैं बोलूँ ना किसी की नज़र लग गई, पता है मेरे यूट्यूब पे कसम से, मतलब कि 3-4 महीने से ना वीडियोस बिल्कुल भी नहीं चल रही है। जो मैंने 20-25 दिन का जो गैप लिया था ना, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रखी थी मेरी कंडीशन। इन्हें फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, तो हमेशा देखो गाइस अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ये चेक कर सकते हो आप। सुबह फिर से भाग गया आगे सो आप ये चेक करो, हार्ले डेविडसन। सो ये म्यूजिक देख रहे हो आप, कितनी सीसी की बाइक, कितनी सीसी की होगी ये हार्ले डेविडसन। ओ देखो भाई सीधा बिल्ली उड़ जाएगी। सेट यार पेंचो, मूड खराब है एंकर की। सो गाइस यार क्रैश हो गया अपनी बाइक यार, ओ शिट फक ऑफ। चल यार छोटी मोटी लगती रहती है बहन चो। सो गाइस इस बस में मेरा क्रैश हो गया, गाइस गंदा वाला सीन हो गया, मेरी बाइक भाई खतरनाक लग गई मेरे हाथ पे, बाइक नीचे नीचे गिरते हुए गिरते बच गई भयंकर की। बस वाला साले एकदम ही भाई ब्रेक मारा साले ने, मैं निकालने की कोशिश कर रहा था थोड़ा बाइक यार, तो यार सीन हो गया यार, गलत मूड ख़राब है यार कसम से। मैं देखो मेरे को लग ही रहा था भाई, महसूस हो रहा था कि आज कुछ ना कुछ होएगा भयंकर की अपनी बाइक के साथ, पता नहीं यार क्यों भयंकर की किसी की नज़र लग गई। शिट यार कितना बचा के रखता मैं अपनी बाइक को, अरे सीन हो गया बताओ यार। तुम तो बहुत आगे चले गए थे, बस से यार बस वाले ने अचानक ब्रेक मारा और मैं निकालने की कोशिश कर रहा था यार। वो तो शुक्र करो कि तेज स्पीड नहीं थी, मैंने पैर वाला ब्रेक भी कम लग रहा है, डिस्क ब्रेक मारा मैंने तब जाके उसी पे आया ना खरोच। हाँ वो टूट गया, क्या हुआ? मैंने देखा नहीं कि यार ये चीज निकल टूट गई यार। अरे मैंने पूरी कंट्रोल करी पता है, नीचे गिरते गिरते मैंने ऐसे मेरे तभी तो ये हाथ पे भी लगा मेरा, ये साथ पे क्या बोलते बस वाले पे टकराया मेरा, मूड खराब हो गया यार सुबह सुबह में हैं। मैं जितना कोशिश करता मैं सोच रहा था आज मेरे को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ होएगा हैं, ये भी लगी घसीटते हुए। अरे वो तो नुकसान तो भाई खतरनाक होता अगर मैं तेज स्पीड में रहता तो। ये ना होता ना तो तेरा ये डैमेज हो जाता, फिर शॉप से नहीं करता।
अच्छा वो मडगार्ड भी नहीं लगा क्या यार, बुरा दिन आ रहे अपने पे हैं। तेल भी ख़त्म हो गया, पता नहीं यार परसों मैंने 500 रुपए का तेल डलाया था, पता नहीं कहाँ जा रहा है यार। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ भाई, इतना मूड ख़राब हो रहा ना सही में। सुबह सुबह सोचा था कि एक प्यारी सी राइड मारूंगा, मेरे को लग ही रहा था अजीब सा, क्योंकि अपनी बाइक ना काफ़ी दिन से यार क्रैश हो रही है, पता नहीं क्या यार किसकी नज़र लग गई बुरी वाली एंकर की। यहाँ पे भी देखो परसों शाम को ही हुआ था, खड़ी खड़ी नीचे गिर गई थी। बाकी गाइस चलते आगे तलक, और मेरी कमर में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों यार, ये हाथ पे यहाँ पे लगे। अच्छा मैंने ग्लव्स भी पहन रखे थे, नहीं तो घसीटते हुए भयंकर की कंट्रोल हो गई, मेन चीज़ ये कि कंट्रोल हो गई अपनी बाइक। बाकी आगे चलते हैं यार। गाइस अभी थोड़ा सा मेरे को ना ऐसा हाथ सा कांप रहा है भाई, सीन हुआ रहता है ना मेरे साथ पीछे, खतरनाक एक्सीडेंट हो रखा है जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ यार। तो वही है कि पता नहीं यार किसकी नज़र लग रही है अपनी बाइक पे। अभी मैं शुभम की बाइक चला रहा हूँ और मेरी थोड़ी सी कमर में मोच सी आ गई है, दर्द हो रहा है भाई। और अभी R15 चला रहा हूँ मैं। सो ये बाइक काफ़ी एक्वर्ड सी लगती है मेरे को, मतलब चलाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, देखो इतना झुकना पड़ता है भाई सही में। सो क्लच देख सकते हो इतना ढीला कर रखा है शुभम ने। सो गाइज अभी R15 चला रहा हूँ मैं, तो लेट्स गो चलते हैं। चलो सो गाइज R15 चला रहा हूँ मैं बहुत टाइम के बाद। सो अभी पेट्रोल फ्यूल अप कराते हैं अपनी बाइक में। और ये कैसे चला लेते हो यार तेल डाल दो 410 का डाल दो भाई, ये तो खतरनाक है यार भयंकर मेरे को तो बिल्कुल है वही तो कह रहा हूँ, इसमें मजा आता है निकेट है आके। हाँ मैं पता क्या, मैं जावा चलाता रहता हूं ना तो मेरे को इतना ऑकवर्ड नहीं लग रहा, जावा की हैंडलिंग पर टच है थोड़ी सी इसकी, डाउन ऑफ की आता इसको कुछ ज्यादा ही है यार, डाउन ऑफ सीट है सीट हाइट ये स्पोर्ट्स वन जो नाइट जीपीएस इन टाइप। सो फ्यूल अप कराते हैं, फ्यूल अप करा दिया 410 रुपए का, बाकी पेमेंट करते हैं। आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है इस रोड पे,